आपको जानकारी दें कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन दिल्ली के पूसा में स्थित सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, जानने के लिए आइए नजर डालें सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। मैंने अपने पंचायत में ना सबसे पहले कार्य किया कि कोई भी बच्चा बिना स्कूल जाए ना छूटे और कोई भी आदमी बिना घर ना रहे। उस पे कार्य करते करते मैंने अपने बच्चे को स्वयं गवर्नमेंट स्कूल में डाला और जो गवर्नमेंट स्कूल की खस्ता हाल थी उस पे पैसे दे के एक आज अच्छा मॉडर्न स्कूल बना के एक मिसाल पेश की। उसके साथ साथ जो अक्सर गांव के अंदर जो गंदगी के व्यवस्था थी वो बड़ी चरमराई हुई थी, उसी पे काम करते हुए आज हमने डोर टू डोर कलेक्शन वहाँ पे स्टार्ट की और एक साफ़ सुथरी पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा था, उस पे हम कायम किया उस चीज़ को। तीसरा, हमने सोलर पे, क्योंकि वाटर लेवल भी डाउन होता जा रहा है, ग्राउंड में नल सूख रहे थे, देश का पहला हमने जो अमृत सरोवर है वो बना के तैयार किया और प्रधानमंत्री जी ने पिछले राष्ट्रीय पंचायत दिवस पे उसका उद्घाटन किया था। और आगे जो भी कार्य हैं, गांव की गलियां व्यवस्था वो तो चलती रहती हैं, किसानों की आय कैसी दुगनी की जाए, वो जो फसल गेहूं और हमारे उधर पैडी की फसल होती है ज़्यादातर उसी पे दरमदार था, हमने उनको हटके मशरूम की खेती करना, सब्जियों की तरफ बढ़ावा देना, पाली हाउस लगा के दिए, बर्मी कंपोज लगाए ताकि उनको डेयरी फार्म हर एक चीज़ करते हुए वो एक अच्छा गांव में किसानों को खड़ा करने का प्रयास किया। उसी के साथ हमने महिला को सशक्तिकरण करने के लिए महिलाओं के गांव के अंदर 60 ग्रुप बनाए, उसमें 613 उम्मीद के तहत महिलाओं को जोड़ा गया। महिलाओं को दूध डेयरी, उसमें मसाले पीसने वाला, पापड़ बड़ियां बनाने वाला, वो अदरक कुशल का क्रोशिया जो सोफ़ा कवर रहते हैं, ऐसे कार्य खोल के दिए। और जो 4 साल का मेरा सफ़र है उसमें मुझे पूर्ण खुशी होती है कि मैंने जो किया है वो अपने पंचायत अपने लोगों के लिए किया है और आगे भी मैं यही करूँगा कि एक अच्छा कार्य करते रहेंगे। जो जो कमियां अभी हैं गांव में, जितने भी सोलर पंप बिजली से चलते थे वो सोलर से करवा दिए, हर घर में एक सोलर कुकर दिया गया ताकि वो चूल्हे से हटके वो सोलर पे खाना बनाए वो। और तीसरा, जो बायोगैस पे भी बढ़ावा दिया गया, बायोगैस इंडिविजुअल भी बनाई गई और कम्युनिटी वाली भी बनाई गई। और हमने गाँव के अंदर जो दूसरे डीजल वाले वो ऑटो वगैरह चलते थे वो भी बंद करवा के हमने ई रिक्शा लाने, 6 ई रिक्शा लगा के एक मिसाल पेश की और ई बस सर्विस भी हमारे गांव के अंदर चल रही है। NIRD NPR हैदराबाद MOPR के साथ एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसमें हमारा उद्देश्य है कि 2050 क्लस्टर्स को मॉडल GP क्लस्टर्स बनाया जाए और इसके तहत एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ऑलरेडी 100+ YFs को ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूट करा गया है और हमारा काम है पंचायतों को सशक्त बनाना ताकि वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सके, जिसमें हमारा मेन फोकस एरिया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर ना होकर के नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे हो रहा है, जैसे कि जिसमें हम लो कॉस्ट एक्टिविटीज़ और नो कॉस्ट एक्टिविटीज़ को उनकी पूरे साल की ग्राम पंचायत की कार्य योजना में शामिल करने का काम करवा रहे हैं, जैसे कि अवेयरनेस कैंप्स जनरेट करवाना, कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन करवाना और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन ग्राम पंचायत की डिसीजन मेकिंग में करवाना।